For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Well, finally, Bharat film release ho chuki hai aur main lekar aa gayi hu aapke paas Bharat ka review. Yes. अली अब्बास जफर से जितनी उम्मीदें की गई थी उन्होंने डेफिनेटली उससे हज़ार गुना बेटर परफॉर्मेंस दी है. यानी कि चाहे अली अब्बास जफर हो या फिर कटरीना कैफ हो, दिशा पाटनी हो, सलमान खान हो, पूरी ऑनसेंबल कास्ट ने डेफिनेटली दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं. सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की. जैसा कि अली ने कहा था कि ये फिल्म जो है ये कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म है. इस फिल्म की कॉन्टेंट ही सबसे बड़ी बात है, तो वो बात सच है. जी हाँ, शुरू होती है कहानी भारत के सफ़र से, यानी कि सलमान खान से, जो कि एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा है, जो पार्टीशन के दौर से गुजर रही है जो फैमिली, और जैकी श्रॉफ है जो उनके फादर का कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं. उसके साथ साथ तमाम ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो फैमिली बॉन्ड होता है. उसकी उनकी मम्मी है, साथ ही साथ एक छोटी बहन है, एक भाई है. कुछ इस तरह का रिश्ता होने के बाद धीरे धीरे स्टोरी जैसे ही ग्रो करती है, उसके बाद आप देखेंगे कि सलमान खान जो हैं वो पार्टीशन के दौरान वो ट्रेन में बैठकर वो दिल्ली की तरफ आ जाते हैं और उनकी फैमिली जो है वो छूट जाती है. गलती से उनकी फैमिली यानी कि उनके पापा और उनकी बहन जो है वो छूट जाते हैं देश के उस तरफ. वेल, ये डेफिनेटली काफ़ी लोग इस बात से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे बिकॉज ऐसा बहुत लोगों के साथ रियल में भी हुआ है. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं स्टोरी आगे बढ़ती है. भारत जो है यानी कि सलमान खान का जो कैरेक्टर है वो दिल्ली जाता है, वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें करके अपना गुजारा करता है. स्ट्रगल डेज की कहानी दिखाई गई है, किस तरीके से भारत जो है वो जीने की कोशिश कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों से काम कर रहा है, कभी बूट पॉलिश कर रहा है, कभी जूते सिलाई कर रहा है. उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से सलमान खान जो है वो सोचते कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, उन्हें कुछ काम करना है, उन्हें अपने घर वालों का घर संभालना है. ये सब सोचकर सलमान खान जो है वो जाते हैं सीधा सर्कस में भर्ती हो जाते हैं और द ग्रेट इंडियन सर्कस का यहाँ पर शो शुरू होता है, जहाँ पर हमें एंट्री होती दिखाई देती है दिशा पाटनी की. यानी सलमान खान की जवानी के दिन तो नज़दीक आ गए. जिस तरीके से सलमान दिशा के साथ रोमांस करते हैं सर्कस में, वो ए लिस्टर स्टंटमैन बन जाते हैं. उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है धीरे धीरे कि उन्हें कुछ और नौकरी करनी है और उन्हें कहीं ना कहीं उनका लक्ष्य जो है उनके फैमिली को ढूंढना. धीरे धीरे उस मोटिव की तरफ बढ़ते हुए वो एक कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, जहाँ पर उन्हें मिलती हैं कुमुद यानी कि कटरीना कैफ. जी हाँ, यहाँ पर एंट्री होती है कटरीना कैफ की. जैसे ही कटरीना कैफ की एंट्री होती है, थोड़े से सीन्स हैं जहाँ पर दोनों के बीच में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से ग्रोथ होती है वो दिखाया जाता है. सलमान कटरीना के अंडर काम कर रहे होते हैं. उन चीज़ों के बावजूद कटरीना जो है वो सलमान के प्यार में गिर जाती हैं. जी हाँ, लेकिन सलमान जो है वो कटरीना को साफ इनकार कर देते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली जो है यानी कि मेरे पापा, मेरी बहन, मैंने खो चुका हूँ, मुझे उन्हें ढूंढना है. तो कुछ इस तरीके का एक पेन, सेपरेशन का पेन दिखाया हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे कि डेफिनेटली कटरीना कैफ और सलमान खान एक साथ हैं ज़रूर, लेकिन वो मना कर देते हैं उन्हें शादी के लिए. फिर भी कटरीना उनका साथ नहीं छोड़ती हैं और उन्हें आगे भेजती हैं दूसरी कंपनी में काम करने के लिए. फ्रांस भेज देती हैं उन्हें काम करने के लिए, जहाँ पर सलमान जब जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्हें देश की सेवा करनी चाहिए. घर की सेवा तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्हें देश की सेवा भी करनी चाहिए, जिसके चलते वो नेवी में भर्ती हो जाते हैं. अब वेल, यहाँ पर स्टोरी लेती है एक छोटा सा ट्विस्ट एंड टर्न, जहाँ पर उनके दोस्त हमें दिखाई देते हैं सुनील ग्रोवर. जी हाँ, सुनील ग्रोवर दिखाई देते हैं. मानना पड़ेगा सुनील ग्रोवर ने ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन हाँ, इसका क्लाइमैक्स क्या होने वाला है ये तो मैं ज़रूर आपको नहीं बताऊंगी. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सुनील ग्रोवर की और सलमान खान की दोस्ती को भर भर के दिखाया गया है इस फिल्म में. चाहे अगर बात की जाए सुनील ग्रोवर की, आसिफ शेख की, सभी ने बखूबी काम किया है इस कैरेक्टर को निभाने में, अपनी फिल्म को अच्छी तरीके से करने में. अगर सुनील ग्रोवर की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, उन्होंने किन्हीं किन्हीं जगहों पर उन्होंने हर किसी को पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर सुनील ग्रोवर आपको नजर आएंगे. तो एक ताली तो सुनील ग्रोवर के लिए ज़रूर बनती है, जिस तरीके से उन्होंने सुपर परफॉर्मेंस दी है. उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, तो स्टोरी थोड़ी सी आगे ग्रो करती है. वहाँ पर आप देखेंगे कि सुनील ग्रोवर का लव एंगल शुरू हो जाता है नौरा फतेही के साथ, जहाँ पर माल्टा के शूट्स हमें दिखाई देंगे. जी हाँ, माल्टा में शूट हुआ था कहीं ना कहीं भारत का, जिसको लेकर काफ़ी बज भी क्रिएट हुआ था. वो सीन्स हमको दिखाई देंगे सेकेंड हाफ में. फिल्म थोड़ी सी स्लो ज़रूर लगती है, लेकिन हाँ, आपको बांधे ज़रूर रखेगी फिल्म. सलमान खान की ज़बरदस्त एक्टिंग आपको बांधे रखेगी, स्टोरी का कंटेंट आपको बांधे रखेगा कि किस तरीके से भारत जो है यानी कि सलमान खान जो है वो जैसे जैसे बूढ़ा होते जा रहा है, वो चाह रहा है कि वो अपने घर वालों को ढूंढ ले. वो अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उसके घर वाले उससे दूर हैं.
कुछ इस तरह का एक फैमिली बॉन्ड दिखाती हुई ये फिल्म है। उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं, सलमान बूढ़ा ज़रूर हो जाता है, सलमान खान का कैरेक्टर यानी भारत बूढ़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन फिर भी उसके यू नो उसकी आज भी उसके अंदर उतनी जान है कि वो कुछ भी कर सकता है देश के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, कुछ इस तरह की स्टोरी है। वेल ऑल इन ऑल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, अली अब्बास ज़फ़र ने सुपर डायरेक्शन किया है, जहाँ पर आप देखेंगे कि पार्टीशन के पेन को अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है। सलमान कटरीना की यहाँ पर मैं दाद ज़रूर देना चाहूँगी, जिस तरह का अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस कटरीना कैफ ने किया है, एक्चुअली फैंटेबुलस। और अगर बात की जाए बाकी के स्टारकास्ट की, सभी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स में नजर आए, लेकिन यहाँ पर सरप्राइज पैकेज है तब्बू। जी हाँ, तब्बू कैसे नजर आती हैं, कहाँ नजर आती हैं, एंड में क्लाइमैक्स में क्या होता है, सलमान उनकी फैमिली से किस तरीके से मिलते हैं, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दिल की धड़कनों को थाम लीजिए और फिल्म देखने जरूर जाइए। एंड डेफिनेटली ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स तो होने ही वाली है, जिस तरह का बम्पर तोड़ ओपनिंग कलेक्शन हुआ है इस फिल्म का। आप लोगों ने फिल्म अभी तक देखी या नहीं? वेल अगर बात की जाए हर चीज़ की, ये फिल्म सुपर डुपर हिट है, चाहे एक्टर्स हो चाहे स्क्रीन प्ले हो, डायरेक्शन सुपर्ब है, माल्टा से लेकर आबूधाबी से लेकर हर जगह को बखूबी दिखाया गया है। गाने इतने ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, टिकटॉक पर राज कर रहे हैं इस फिल्म के गाने, चाहे स्लो मोशन हो या फिर एथिया, तो जितने ही गाने हैं सब हिट हो चुके हैं, फिल्म अच्छी हो ही रही है। आप किस लिए बैठे हो, आप जाओ फिल्म ज़रूर देखो। मैं अपनी तरफ से इस फिल्म को देना चाहूँगी 4.5 स्टार्स। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।